यूपी में भाजपा ने अपने प्रचार के लिए रथ का सहारा लिया है, वो भी हाईटेक रथ। ये रथ भाजपा के प्रचार प्रसार का को और भी ज्यादा दमदार बनाएगा। देखिए रिपोर्ट। यूपी में सत्ता में फिर से लौटने की आस में यूपी भाजपा की टीम चुनावी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वहीं पार्टी की नीतियों को बताने के लिए वर्चुअल सहारा भी ले रहे हैं। अब यूपी भाजपा ने इसके लिए एलईडी वैन को भी अपना हथियार बनाया है। लखनऊ से भाजपा नेताओं ने एलईडी प्रचार रथ को रवाना किया। कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाने के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित संगठन और प्रभारी मौजूद रहे। सीएम ने इस दौरान इस वैन की खासियत भी बताई और काम की जानकारी भी दी। भारतीय जनता पार्टी 403 विधानसभा क्षेत्रों में आज अपने चुनाव प्रचार अभियान को इस वैन के माध्यम से आगे बढ़ाने के एक नए कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। दरअसल ये वैन पूरे प्रदेश में घूमेगी और सभी 403 सीटों पर जाकर भाजपा की वर्चुअल रैलियों का प्रसारण करेगी। इतना ही नहीं, रथ के जरिए भाजपा के विजन को भी लोगों के सामने रखा जाएगा। बड़ी बात यह भी है कि इस रथ के जरिए भाजपा ने सोच ईमानदार और काम दमदार से सोच ईमानदार और काम असरदार स्लोगन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि भाजपा का दावा है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो कहा सो करके दिखाया, हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टिकरण के लिए कोई जगह नहीं, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। विरोधी को भाजपा भी हाईटेक पार्टी मानते हैं और कई बार कह चुके हैं कि तकनीक में भाजपा का वो सामना नहीं कर सकते। अब ये हाईटेक रथ विरोधियों के लिए वाकई एक चुनौती से कम नहीं है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा।